फौज शिया सुन्नी फसाद में ना उलझे, अल्ताफ हुसैन। क्या नेकटा दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है? भारत पसंदीदा मुल्क, इस तजवीज का क्या हुआ? और शिकारपुर के जरगे की कानूनी हैसियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर बिन चुगताई, एनबीसी ऑन एयर में। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अहम इजलास प्रिजाइड किया, ये सूबाई राबता कमेटी का इजलास था, सलामती कौंसिल के हवाले से। इस इजलास में चारों वज़राए आला ने शिरकत की और चारों चीफ सेक्रेटरीज जहां मौजूद थे, अहम सिविल और फौजी काम थे, आर्मी चीफ थे, DGISI थे, DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे, और इसमें कई जगह पर कई मुकाम पर अहम फैसलों का ऐलान किया गया। लेकिन इस बारे में भी हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान को जो अहम तिजारती साथी करार दिया जाना था उसके बारे में क्या हुआ। आज अल्ताफ हुसैन साहब ने एक और तकरीर की है, खासी अहम तकरीर है, जिसमें उन्होंने फौज को कुछ मशवरे दिए मुल्क के निज़ाम के बारे में, और कुछ दावतें दी हैं अपने ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के बारे में। हम इन्हीं बारे में बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो एक इजलास प्रिजाइड किया है सलामती कौंसिल का, जिसमें बात हुई है कि नेक्टा के तहत जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट GID कायम किया जाएगा, और साथ ही साथ वही बात जो पहले हम कर चुके थे कि रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स कायम की जाएगी RRF के नाम से। इसके तहत ये जो डायरेक्टोरेट है, ये सिविल और मिलिट्री हल्कों के दरमियान, फोर्सेज के दरमियान इत्तेफाक पैदा करेगा। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी और सारी इंटेलिजेंस उसके पास आएगी, ताकि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पाया जा सके, नज़र रखी जा सके, उन्हें कुचला जा सके। इजलास में कहा जाता है कि सब लोग एक ही पेज के ऊपर थे, ये लफ्ज़ सफ़ा में समझ में नहीं आता, ये हम कह सकते हैं सबका मौक़िफ तकरीबन एक जैसा था, या सब एक दूसरे से मुत्तफिक नज़र आए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ उमूर ऐसे भी हैं जिन पर गालिबन इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, आगे चलकर मैं सब बात करूंगा। मेरे साथ इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो उन्होंने की, उस्मान खान मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मैं उस्मान खान से पूछूंगा। उस्मान, इस इजलास में अंदर की कहानी क्या है? जी नासिर साहब, अंदर की कहानी बुनियादी तौर पर वजीर आजम ने यह इजलास बुलाया था कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई और उस पर सूबों का भी इनपुट शामिल था, तो सूबों के साथ वज़ीर-ए-आला के साथ जब मंजूरी होगी उसके बाद एक कंसल्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन का अमल जो है वो शुरू करना था। उसके लिए बुनियादी तौर पर यह इजलास बुलाया गया था, जिसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है और साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी ब्रीफिंग्स का अहतमाम किया गया। आर्मी चीफ इसमें मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी, वजीर दाखिला ने इस इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जो है वो ब्रीफ किया वज़ीर-ए-आला को। तो बुनियादी तौर पर एक जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक कोशिश है और जो जद्दोजहद की जा रही है इसके खात्मे के लिए जो काविशें हैं उसकी तरफ अब एक अमली कदम जो है वो उठाना है, और सूबों को यह हिदायत की गई है कि अब वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो फौरी तौर पर वो तश्कील देने की मंजूरी दी गई है। फंडिंग का क्या होगा उस्मान, और इसकी फंडिंग कहां से होगी? देखिए बुनियादी तौर पर तो ये फंडिंग इसके लिए कोई 28 से 30 अरब रुपए जो है वो वजीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि इसके लिए खर्चा जो है वो फंड मुख्तस किया जाएगा, और वजीर आजम की जानिब से ये बाकायदा तौर पर जो वजीर खजाना इसहाक डार वो गुज़िश्ता मीटिंग में मौजूद भी थे और उनको ये हिदायत भी की गई है कि वो बंदोबस्त करेंगे। तो बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें फिर चाइना से जो है वो गाड़ियां मंगवाई गई हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो रोबोट के जरिए जो है उसको डिफ्यूज करने के लिए वो काम आएंगी। आज वो फौरी तौर पर एक एक गाड़ी जो है वो वजीर आजम ने खुद वज़ीर-ए-आला के हैंड ओवर कर दी है, और बाकी जो इकदाम हैं वो भी यकीनी तौर पर सामने देखने को मिलेंगे। बहुत
फ्रूटफुल और काफी अहम मीटिंग जो है इसको करार दिया जा रहा है, जिसमें सियासी क्यादत भी थी, अस्करी क्यादत भी थी, और सेम पेज पर बैठ के एक फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो एक अमन अमल आगे बढ़ाया जा रहा है उसके हवाले से भी पेशरफ से आगाह किया गया वज़ीर दाखिला की जानिब से। और ये भी इन नुकात पर भी गौर किया गया है कि खुदा ना खास्ता अगर ये अमन अमल नाकाम होता है और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो उसके बाद क्या तरीकाकार इख्तियार होगा, उसकी भी एक हिकमत अमली जो है वो तय की गई है। अच्छा, ये क्या फ्री जोन, पीस फ्री जोन की तश्कील का बात आई, इस पे बारे में कोई बात हुई? अजी बिल्कुल, ये मामला भी जेर गौर आया क्योंकि जो तालिबान के राबताकार हैं प्रोफेसर इब्राहिम की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये मुतालबा सामने आया। आज मौलाना समीउल हक से जब मीडिया से गुफ्तगू हुई उसमें भी उन्होंने यही मुतालबा किया कि हुकूमत को अब ये कर लेना चाहिए, कोई एक पीस फ्री जोन जो है वो कायम कर देना चाहिए। लेकिन आज इस मीटिंग में इसका कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि वजीर दाखिला की जानिब से जब मुलाकात हुई थी तालिबान के राबताकारों से तो उनको ये कहा गया था कि हुकूमत ने तजवीज़ किया था कि बन्नू एयरपोर्ट या उसके जो गिर्दो नवा का एरिया वहां पर किसी जगह पे मुजाकरात जो है वो सूटेबल हो सकते हैं, लेकिन तालिबान की जानिब से जो इतलात आ रही थी वो ये थी कि लदा और मकीन के एरियाज जो है तो उस पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका और हुकूमत ने इसको मंजूर भी नहीं किया, हुकूमत ने अब तक मंजूर नहीं किया इसको। अच्छा बिल्कुल, इसकी अब मुझे बताइएगा फैसला नहीं हुआ क्योंकि अभी कि अब जो हम कल बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान को एक बेहतर तिजारती शरीक का दर्जा दिया जाएगा, ये तजवीज कहां गई? देखिए, इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं भारत के हवाले से तो इसमें तो कोई भी इस मीटिंग में जो है वो फैसला नहीं हुआ क्योंकि बुनियादी तौर पर आज तो सिक्योरिटी के मामला जो है जेर बहस आए हैं, लेकिन हुकूमत के ये ज़रूर है कि हमसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और आज जो वज़ीर इत्तेहाद हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट भी दी गई कि 1998 में जो वादे किए गए थे मोस्ट फेवर्ड नेशन के, तो भारत जो है वो पाकिस्तान को करार दे चुका है। तो इस हवाले से अभी वर्किंग हो रही है, इस हवाले से कोई फैसला हतमी तौर पर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया उस्मान खान हमारे का। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, मुमताज़ दिफाई तजियाकार, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना अफजल साहब, दोनों का बहुत खुश आमदीद। जनरल साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो बात हो रही थी तालिबान के हवाले से, बातचीत के हवाले से, बातचीत कहाँ होगी? प्रोफेसर इब्राहिम कहते हैं, समीउल हक साहब कहते हैं कि पीस फ्री जोन कायम कर दी जाएँ, हुकूमत ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है, क्या आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तालिबान के साथ गुफ्तगुशरीद में दोनों तरफ में कुछ ट्रस्ट की कमी है। तालिबान लाजमन ये महसूस करते होंगे कि अगर वो हुकूमत के साथ कहीं बैठते हैं तो उनकी गिरफ्तारी ना अमल में लाई जाए कहीं, और हुकूमत भी लाजमन ये समझती है कि हुकूमत के नुमाइंदे अगर किसी ऐसे इलाके में चले जाएं और कल उनको अगर यरगमाल बना लिया जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें नहीं हैं पहले। तो मेरे ख्याल में वो एक इशू तो मौजूद है, लेकिन तालिबान का ये कहना कि एक पीस फ्री जोन आप बना दें लद्दा या मकीन के इलाके को खाली करके, तो मैं समझता हूं कि ये फौज के लिए शायद काबिल कबूल ना हो और मुनासिब भी नहीं होगा कि आप वजीरिस्तान के अंदर किसी ऐसे इलाके में जाके बैठ जाएं जो कि तालिबान के जेर असर हो। तो वहां पे अभी हमारी गुफ्तगुशनीद इस नहज पे नहीं आई कि आप कोई इलाका जो मिलिट्री के कब्जे में है उसको खाली कर दें और वहां पे गुफ्तगुशनीद करें, लेकिन ये लाजमन मैं समझता हूं कि एक अच्छी तजवीज थी हुकूमत की तरफ से कि बन्नू का हवाई अड्डा जो है वो एक महफूज इलाका भी है और इसके साथ साथ वहां पे अंदर हथियार ले जाने की इजाजत भी नहीं है, एएसएफ का बाहर कंट्रोल है जो कि सिविल एजेंसी है, और वहां पे अगर बातचीत हो तो दोनों साइड्स को कोई मसला पेश नहीं आएगा। राणा साहब, आप फरमाइएगा कि आप अभी, मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब का एक जुमला देख रहा था कि अमन मुजाकरात से तवक्कात थी अमन कायम होने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इन हालात में आप क्या समझते हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है? मेरा ख्याल है कि जो तवक्कात थी अमन डायलॉग से वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले जो लोगों को बहुत ज्यादा इस पे शकूक और शुबहात थे और उनको उम्मीद नहीं थी कि ये इस सिंसियरिटी से और इस तरह से बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूं कि एक कंफर्ट लेवल जो है वो हुकूमत की टीम ने
दिया है अब तालिबान को, और जिसके साथ वो लोग भी अब अपनी डिमांड्स के साथ सामने आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो डायलॉग है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस तमाम जमातों का पहले से ज्यादा बढ़ गया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर नतीजे आएंगे। जाहिर है कि ऑन अ टाइम स्केल बेसिस हमारी लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द फैसला हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा खुशायन पहलू इसका यह है कि जो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे पर अटैक्स नहीं करेंगे, दहशतगर्दी जो है वो रुक जाएगी, तो मैं समझता हूं कि वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से उसमें बड़ी शदीद कमी है, और जो तालिबान ने अपने वादे जो थे वो पूरे किए हैं, और यही इसी की वजह से मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा बताइए कि जनरल साहब के कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ गया है तो इसका फायदा क्या होगा? देखिए कॉन्फिडेंस लेवल जो हम समझ रहे हैं कि बढ़ गया है वो उस हद तक तो बात दुरुस्त है कि आप अभी तक किसी ऐसे नुक्ता पे नहीं आए जहां पे इख्तलाफ राय हो और आपका गुफ्तोशनी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन दर हकीकत गुफ्तोशनी तो अभी शुरू ही नहीं हुई जी। अभी आप एक दूसरे के सामने बैठे नहीं हैं जहां पे कि तकरार तो हो रही है ना, शरायत जनरल साहब तकरार तो हो रही है। वजीर दिफा के जवाब में शाहिदुल्ला शाहिद बयान देते हैं, मौलाना यूसुफ शाह बयान देते हैं, कहते हैं कि वजीर दिफा अमन मुजाकरात को सबोताज कर रहे हैं, लेकिन ये शरायत नहीं है, ये शरायत नहीं है। ये अगर आप प्रोफेसर इब्राहिम की गुफ्तगु सुने तो उन्होंने ये कहा कि तालिबान ने ये तजवीज दी है कि हम इस तरह गुफ्तगुशनी शुरू करें, एक पीस का कॉमन एरिया को सिलेक्ट कर लें, या उन्होंने कहा कि जी आप औरतें बच्चे या इस तरह जो भी आपकी कैद में है उनको रिहा कर दें तो एक अच्छा ख्यास गाली का पैगाम होगा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास ये लोग नहीं हैं, तो इस वजह से वो तजावीज की शक्ल में ये प्रोफेसर इब्राहिम लेके आए हैं। बहुत बेहतर। अभी मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त पलवशा खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मैं उसे पूछूंगा कि पलवशा ही बताइएगा कि वजीर दिफा पर जो एक जारहाना बयान आया है तालिबान की तरफ से वो मुजाकरात की फिजा को कुछ खराब नहीं कर रहा? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अगर आप रिपीट कर दें। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी बोलिए। हाँ मेरा सवाल ही था कि वजीर दिफा पर कुछ इल्जाम लगाए हैं तालिबान ने कि वजीर दिफा मुजाकरात को सबोताज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कि इस ऐसे बयान से ऐसी तकरार से उन मुजाकरात का अमल मुतासर नहीं होगा जिनको अमल मुजाकरात कहा जा रहा है? देखिए नासिर बेग साहब, हमारी इस मामले में अमन मुजाकरात पे बहुत रिजर्वेशंस हैं और हमारा अपना एक जो इस पर सोच है वो इस सवाल से मैच ही नहीं करती कि अमन मुजाकरात कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये पहले नॉन स्टार्टर थे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप गहरी नज़र रखते हैं, बाकी पैनलिस्ट भी नज़र रखते होंगे, जिस किस्म के प्रपोजल्स कह लीजिए या उनकी तरफ से तजावीज़ या जो भी आप कह लीजिए, पीस फ्री जोन आप अपने मुल्क की एक टेरिटरी को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि पीस फ्री जोन्स क्या होते हैं, जहां तक मुझे इल्म है कि एक पीस फ्री जोन किंग नेपाल ने नेपाल के बादशाह ने किंग बिरेंद्रा ने 1975 में यूनाइटेड नेशंस को कहा था कि वो उनके मुल्क को पीस फ्री जोन कर दें और वो अपनी एक नॉन अलाइंड हैसियत रखना चाहते हैं, या फिर एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने डेमोक्रेसीज के साथ पीस फ्री जोन्स को लिंक किया था। तो ना तो तालिबान इस मुल्क के आइन को मानते हैं और ना ही वो कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखते हैं, लिहाजा अपने मुल्क की टेरिटरी को जहां जहां भी आप पीस फ्री जोन बनाएंगे उस फाटा में या कहीं भी या इवन सेटल्ड एरियाज में, उधर एक इलेक्शन जरूर हुआ होगा और उस इलेक्शन में कोई उनका नुमाइंदा भी होगा, और मेरे ख्याल में लोगों ने मैंडेट इसलिए हुकूमत को नहीं दिया कि वो उस टेरिटरी को सीट कर दें। और मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन ये हो गया उस दिन हम पे इंटरनेशनल दबाव और हमारी जो एक इस वक्त तक दुनिया हमें देख रही है बहुत गौर से, हमारे लिए हम चूंकि एक आइलैंड में तो रहते नहीं है, हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और इस तरीके से अपनी टेरिटरी को दे देना और इस माहौल में मैं इसको समझती हूँ कि इसके बाद फिर वो एक और तजवीज आएगी कि आप इसको नो मैंस लैंड कर दें, उसके बाद फिर शायद कुछ और तजवीज आए कि कोई एमिरेट बना दी जाए, लिहाजा देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस ये जो एब्सर्डिटीज हैं
और अगर कोई मुजाकरात होने हैं तो वो स्टेट जब तक, जैसे मैंने बहुत सी दफा आपके प्रोग्राम में कहा, जब तक एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं करेगी तो उन मुजाकरात का क्या मुस्तकबिल है, और इस किस्म की अजीबोगरीब डिमांड्स आती जाएंगी जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में, कमिटी ऑफ नेशंस में या अपने अपने जो हमसाए हैं उनको ही आप डिफेंड नहीं उनके सामने कर पाएंगे। लिहाजा ये कह देना कि ये यहाँ पीस फ्री जोन बना दिया जाए, मुझे बताइए वहां लोग भी रहते होंगे, उन लोगों की भी राय कोई, उस हल्के के लोगों की जिसको आप पीस फ्री जोन बनाने जा रहे हैं, कोई उस राय का भी कोई तकद्दस और एहतराम है? और ये किस हैसियत से आप एक ऐसे ग्रुप को जिसके आगे अभी तक कलदम लिखा है, देखिए आपने ये सब कुछ करना था, सबसे पहले आपको उस ग्रुप के आगे से कलदम का नाम हटा देना चाहिए। आप ऑफिशियल पोजीशन में कलदम ग्रुप के साथ किस तरीके से, इस तरीके से आप उनसे मुजाकरात करें कि आप उन्हें स्टेट के बराबर ले आए हैं? लिहाजा मुझे तो इस मुजाकरात की जो है मंतक वो कुछ नजर समझ नहीं आ रही। ये अजीब अजीब किस्म की ये डिक्शनरी से ले आते हैं लफ्ज और आप बोलना शुरू कर दें। आई डोंट थिंक इवन जो लोग ये मौलाना समीउल हक को पता होगा कि पीस फ्री जोन क्या होगा और पीस फ्री जोन की क्या हिस्ट्री है। दोनों हजरात से, दोनों मेहमान बहुत मुख्तलिफ इनका ओपिनियन है, इस पर मैं वापस आऊँगा, लेकिन मैं वापस आऊँगा अल्ताफ हुसैन के बयान के साथ भी जो उन्होंने बाज अहम उम्र पर दिया है। ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद उस गुफ्तगू पर वापसी। वेलकम बैक जी। हम इससे पहले बात कर रहे थे नेक्टा के बारे में और सलामती कौंसिल के इजलास के बारे में, तालिबान के बारे में, जहाँ पर गुलबशा खान के व्यूज़ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से मुख्तलिफ हैं फ्री पीस जोन के बारे में। अब एक और मुतनाज़ा बात है जो आजकल चली, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, इस पर खासा डिस्कस हो चुका है, वो है पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का तोहफा अतिया या कर्ज हसना, जो भी टर्म इसको आप इस्तेमाल कर लें। मैं इसको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि ये बात पुरानी बात है, दो रोज़ पहले की बात है, लेकिन आज अल्ताफ हुसैन ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिया है, खासे मुख्तलिफ अंदाज से इस पर तनकीद की है, इस पर बात की है, फ़ौज को कई वाज अल्फाज में ये कहा है कि अगर उनको कोई हुकूमत ये कहे कहीं और जाके लड़ें वो किसी और मुल्क में, तो वो हुक्म मानने से इनकार कर दें। आइए आप खुद सुनें कि अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा, फिर मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूँगा। साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग से, आप बताइएगा कि इस चार पांच जुमलों पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कोई उन्होंने कोई स्टेबल माइंड के साथ ये बात नहीं की, और काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के जो बयान आते हैं वो उनमें कई मरतबा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं और स्पेकुलेटिव बयान होते हैं। देखें आप, हमारे जितने भी अरब रियासतें हैं जिनका नाम उन्होंने लिया, उनके साथ हमारे एक दरीना ताल्लुकात हैं, हम उन हुकूमतों को रिकग्नाइज करते हैं और बरसा बरस से हमारे उनके साथ मिलिट्री के अंदर एडवाइजरी रोल और हमारी वहाँ पे एक रोल रहा है हमारा, वो हमें हमसे मदद मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, और ये चीज़ें जो हैं आपस में चलती, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर स्पेकुलेशन करना और फिर एक ऐसा गैर आइनी और गैर कानूनी बात करना बड़े ही अफसोसनाक और बड़े दुख की बात है कि एक जमात के लीडर के मुंह से इस किस्म की बात की जाए। मैं समझता हूं कि ये इस पे, और दूसरी बात आपने की कि सऊदी अरेबिया ने हमें जो इमदाद दी, इसके ऊपर मैं भी हैरान हूं कि ऐसा तासर दिया जा रहा है कि शायद ये पहली मर्तबा हुआ है। आप पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में $5.5 अरब का जब हमने एटमी धमाके किए थे तो दो साल तक हमको मुफ्त में तेल भी मिला था। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि अल्ताफ हुसैन का यह बयान खदशात का इजहार करता है,
खदशा ये है कि पाकिस्तानी फौज को सीरिया में ट्रैप किया जाएगा या पाकिस्तानी असलहा सऊदी अरब के रास्ते जॉर्डन के रास्ते सीरिया जाएगा, जहां वो बगावत बागियों के लिए के हाथ आ जाएगा। क्या कहेंगे आप, ये किसको खदशा है, कौन ये बंदा इल्जामात लगा रहा है? जी मैं जनरल साहब से बात कर रहा हूं। जी जनरल साहब, देखिए ये खदशात तो अपनी जगह पे, लेकिन सरताज अजीज साहब ने बहुत वाज़े स्टेटमेंट एक दी है जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो कुछ भी मुज़ाकरात बातचीत हुई या आज उन्होंने कुछ इमदाद की उसमें उनके मतालबात शामिल नहीं है, कोई उनकी तरफ से ऐसा मतालबा नहीं है। और उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्क में, खासतौर पर सीरिया में, अपनी अफवाज नहीं भेजेगा और हथियार भी नहीं दिए जाएंगे, बेचे नहीं जाएंगे। वो खास तौर पे अगर दिए गए तो जो कानून हमारे मुल्क के जैसे हैं उसके मुताबिक उनका पूरी तरह तहफ्फुज़ और ख्याल रखा जाएगा। यानी हमारे हथियार जिस मुल्क को दिए जाएंगे उसी वो मुल्क इस्तेमाल करेगा, वो आगे किसी और को नहीं दे सकेंगे। अच्छा, अब ये बातें तो मैं इस पर पूरा यकीन भी करता हूं, इस वजह से कि हुकूमत बड़ा बरमला ये बात कर रही है, लेकिन खदशात का जहां तक ताल्लुक है वो मौजूद हैं और वो इंतहाई खतरनाक है। बात अगर उसका 1% भी कहीं एहतमाल है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होगी कि वो सीरिया के मामलात में कहीं जाके अपने आप को उलझाए, उसमें हथियार आपने देने हो या फौज भिजवानी हो या किसी ग्रुप को ट्रेन करना हो, तीनों चीजों में हमें इससे मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहना चाहिए और हुकूमत को इसके मुजमरात इसके नताइज को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। और ये शक व शुबहात हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल वाज़े तौर पे दूर करे। सरताज अजीज साहब की स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर बात करें और हुकूमत अपने आवाम को पूरी तरह यकीन दिलाए कि कोई उनका इस किस्म का इरादा नहीं है। अब यह भी कहा गया कि हमारे वजीर आजम ईरान जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो ईरान जाएंगे तो ईरानी हुकूमत को भी पूरी यकीन दहानी करा के आएंगे कि हमारे इरादे ऐसे नहीं हैं, हमारे अपने ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ इंडिपेंडेंट हैं और ईरान के साथ अपने इंडिपेंडेंट हैं और हम एक न्यूट्रल मुल्क की हैसियत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे देखना चाहते हैं। अलविदा, आप क्या कहेंगी इस पूरी सूरत हाल में? देखिए नासिर बेग साहब, बात असल यह है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी प्रेस के सामने कि मैं ये बता नहीं सकता किसी भी वजह से कि ये इमदाद कहां से आई, ये बात जो है ये मुझे समझ नहीं आती कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आप वजीर खारजा हैं, हुकूमत है, तो वहां ये नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं बताएंगे। ये कह देने से कि हम नहीं बताएंगे अगर अच्छे मकसद के लिए आई है इमदाद या इमदाद का आना अच्छा है, लेकिन उस पर इतनी बड़ी स्पेकुलेशन का पहाड़ बन गया चूंकि, और उस पे कल और भी मैं राना तनवीर साहब के साथ एक शो पे थी, उन्होंने कहा एक गरीब रिश्तेदार को जैसे इमदाद दे दी जाती है, इस किस्म की डिग्रेडिंग स्टेटमेंट्स अबाउट योर ओन कंट्री। एक इमदाद आई है, आपको उसको खोलने में क्या हर्ज है? और अगर आपको किसी ने कहा है कि उस इमदाद को मख्फी रखें, तो फिर आप उसको जब किसी फोरम पे इस तरीके से प्रेस के सामने कहते हैं तो फिर क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि हमें इस किस्म के खदशात का जाहिर है खतरा रहता है और हम अपने माजी से सबक भी हासिल करना चाहते हैं बहसियत कौम, और अब हम ये नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा महाज और यहाँ खुल जाए जो हमारे हाथ से बिल्कुल ही मामला जो है वो निकल जाए। लिहाजा ये समझ नहीं आती कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां अकाउंटेबिलिटी मेन एक हिस्सा होता है उस सिस्टम का, वहां इतनी बड़ी रकम का आना बजाय ये कि आप उससे पॉलिटिकल माइलेज लें या एक बरादर इस्लामी मुल्क ने आपकी मदद की है। और अगर आपको याद होगा नासिर बेग साहब, तो बहुत अरसे से कह रहे थे वजीर खारजा हमारे कि हम डॉलर को नीचे लाएंगे। बात यह है कि डॉलर नीचे आया जरूर होगा और अल्लाह करे आए, लेकिन वो कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड कोई उनकी वजह से तो नहीं आया है, वो तो कोई अंडरलाइंग इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई कि आपका रुपया जो है वो जोर पकड़ गया है। ये तो एक आपके पास एक वो खुद जैसे कल डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें एक उन्होंने गरीब रिश्तेदार समझ के ये दी है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब कोई अच्छे मकसद के लिए ये गुर्बत रिश्तेदारी क्या कह रहे हैं? देखिए ये बड़ी गरीब बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है
वो एक जलजले के बाद वाली सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई है। जितनी मरतबा पाकिस्तान में जलजला आया, सैलाब आया, सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की। अगर इस मईशत के जलजले में उन्होंने हमारी मदद कर दी तो मैं की जा रही है साहब, इस पे बिल्कुल इतराज नहीं है। हाँ, उसको छुपाने पे एतराज था। देखिए, इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट, बड़ा क्लियर कट सरताज अजीज साहब का बयान है, इस पे फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है कि हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क ने हमारी इमदाद की है। और इसके ऊपर मैं समझता हूं, कोई कह रहा है जी अब फौज भेज देंगे, कोई कह रहा है असला भेज देंगे। मतलब खुदा के लिए, आप अगर अपोजिशन जमातों ने अगर कोई हमें मशवरा देना चाहें कि इस आपको एक पैसा मिला है, इसको किसी अच्छे तरीके से खर्च करें, गरीबों की फलाह और बहबूद पे खर्च करें, पाकिस्तान की मईशत, इस किस्म की बातें करें तो ये पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन ये जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि जी गरीब मस्कीन को दे दिया, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की मईशत पिछले 8-9 महीनों में इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की है, हमारे तमाम इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। आज से 2 महीने पहले आपको मीडिया वालों को कैबिनेट के साथ बिठा के ब्रीफिंग जब दी गई तो 2 महीने पहले आपको बताया गया कि पाकिस्तान के रिजर्व्स इंशाल्लाह 20 अरब डॉलर टच कर जाएंगे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि सऊदी अरेबिया हमें इमदाद देगा। हमने अपना एक रोड मैप आपको दिया था कि मईशत के लिए हम बिजली के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री चले, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़े, और ये सारी एक रोड मैप आपको दिया और उस रोड मैप पे अमल हो रहा है। एक जिम्मेदार हुकूमत है और दिन रात मेहनत कर रही है, और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे ऊपर तो कोई ब्रेकिंग न्यूज अभी तक कोई स्कैंडल नहीं आया। ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर हर रोज स्कैंडल आया करते थे। बहुत शुक्रिया आपका रहना, बहुत शुक्रिया जनरल अमजद साहब हमारे साथ रहने का। परवशा मेरे साथ रहेंगी, हम बात करेंगे शिकारपुर के उस जिरगे के बारे में जो एक खातून के बारे में था। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आकर इस बारे में बात करूंगा। वेलकम बैक जी। हम बाज़ औक़ात बहुत रोते हैं और रोते रहते हैं। एक वाक़या होता है वो बार बार होता है, हम एक वाक़े पर रोते हैं, फिर दूसरे वाक़े पर रोते हैं, और फिर तीसरे वाक़े पर रोते हैं। उसका हम कोई हल तलाश नहीं कर पाते। कारोकारी, डकैती, अगवा बराए तावान, तशद्दुद, घरों घर में तशद्दुद, ख़वातीन पर तशद्दुद, अगवा उनका रेप, सब आज की कहानियाँ हैं। कोई दूर पड़े की बात नहीं, आज के दौर में हो रहा है, आज हुआ है। और फिर ऐसे मसाइल हैं कि जो इंसानियत के लिए नासूर बन गए कि उस ख़ानदान को ही दरबदर होना पड़ता है जिसकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई। इन बरहना अखलाकी अमराज का ताल्लुक पूरे माशरे से है, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इनका हल करना भी पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है, वरना नासूर पूरे घुन की तरह, दीमक की तरह चाट जाएगा। शिकारपुर, जकाबाद, कश्मीर, कनकोट, जनूबी पंजाब, मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल है। और फिर इनके फैसले जिरगे करते हैं, कोई अदालतें नहीं होती, और बाजा कहा जाता है कि इन जिरगों में पुलिस वाले खुद बैठते हैं और में शिरकत भी करते हैं, अपना वोट भी डालते हैं, और बच्चियों को सजाएं भी देते हैं, विनिंग करते हैं, कारोबारी करते हैं, शादी करा देते हैं। कश्मीर में एक वाक़ा हुआ है, शिकारपुर का एक वाक़ा हुआ है, और शिकारपुर में जिरगा हुआ। जिरगे में कानून कहाँ गया, अखलाकियात के कहाँ गई? मैं पहले दिखाऊंगा आपको एक रिपोर्ट और फिर बात करूंगा आपसे कि शिकारपुर में कानून की क्या हैसियत है, अखलाकियात की क्या हैसियत है। रुपीटा की रिपोर्ट। जिरगा जरा के मुताबिक तकरीबन एक हफ्ता कबल गोटाबाद महर से 2 लड़कियां शहनाज महर और रीमा महर पसंद की शादी करने के लिए जागीरानी बरादरी के 2 लड़कों फारूक अहमद और अब्दुल शकूर के साथ घर से निकली थीं। लड़कियों के वरसा ने लड़कियों के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। तमाम लड़कियों के वरसा ने कबायली असर रसूख इस्तेमाल करके लड़कियों को वापस कराया और कारी करा देकर कत्ल कर दिया। बाद अज़ां दोनों कबाइल में कशीदगी बढ़ गई, जिसके खात्मे के लिए मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक रखने वाले वजीराबाद के MNA गौस बख्श मेहर की सरबराही में जिरगा मुनक़िद किया गया, जिसके फैसले के मुताबिक दोनों लड़कों को कारू करार दे दिया और 24 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जिसमें 4 लाख रुपए फी कस कारों के इल्जाम से निजात पाने और 8 लाख रुपए फी कस लड़कियों को अगवा करने का जुर्माना शामिल है, जबकि पुलिस के लिए अगवा का मुकदमा खत्म करने और दीगर अखराजात के नाम पर 4 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में SSP अल्ताफ लगारी अपना मौकफ देने के लिए तैयार नहीं, जबकि मेहर हाउस के तर्जुमान महबूब मेहर का कहना है कि मेहर हाउस पर इस किस्म का कोई जिरगा नहीं हुआ।
ڈی آئی جی راکانہ خادم حسین رن نے واقعی کی خبر اب تک نیوز پر بریک ہونے کے بعد نوٹس لیا اور ای ایس بی سٹی شکار پور کامران نواز کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی۔ پروگرام این بی سی آن ایئر کے لیے کرشن روپیتا، شکار پور۔ اب تک یہ رپورٹ دیکھیے آپ نے۔ پروفیسر خان، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس طرح کا معاشرہ اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں؟ ناصر بیگ صاحب، دنیا جو ہے وہ شاید مریخ پہ کالونیز بنا رہی ہے اور ہم لوگوں کو مرضی کی شادی کرنے پہ قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو چلیں ایک افسوسناک پہلو ہے معاشرے کا، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ وہ ایم این ایز جو اس میں خود بذات خود شامل ہوتے ہیں اس طرح کی قانون شکنی میں، ان کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ مطلب غوث وقت مہر صاحب کے لیے فنکشنلی کیا سزا اب تجویز کرتی ہے؟ یا پھر وہ قوم پرست جماعتیں جو ہر بات پہ بولتی ہیں، وہ اس بات پر کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب محترمہ ابھی حیات تھیں تو ایک ہمارے ایم این اے تھے جن کے حوالے سے اس قسم کی ذرا سی خبر چلی تھی، اور اس پر جو ہے وہ محترمہ نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا اور انہیں بعد میں اس بات کی اپنی وضاحت کرنی پڑی۔ لیکن اگر ہمارے لیجسلیٹرز جو قانون بناتے ہیں وہ قانون شکنی میں خود اور اس قسم کی ہیومن رائٹ ابیوزز، مطلب عام قانون شکنی نہیں جہاں آپ کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں، وہاں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف یہ کہ اس کا نوٹس پرائم منسٹر صاحب کو خود لینا چاہیے، کیونکہ وہ قائد ایوان ہیں اور اسی ایوان کا ایک حصہ وہ شخصیت ہیں جنہوں جو اس جرگے کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایسی لیجسلیشن فوراً انیکٹ کرنی چاہیے جہاں کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو وہ جو لیجسلیٹر اس میں اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے یا اس مینڈیٹ کی وجہ سے جو لوگوں نے دیا وہ بیٹھے، وہ فوراً ڈی سیٹ ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، چاہے یہ سندھ میں ہو یا چاہے پنجاب کے کسی گاؤں میں ہو، کیونکہ ہم اب جو جس قسم کے انٹالرنٹ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے اس میں جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑے، ہم ظاہر ہے پیس فری زونز اور ان میں تو چونکہ اب ہم اپوزیشن میں ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے، اس قسم کی ٹیررزم کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی انٹالرنس اور اس طرح کی انسانیت سوز واقعات پر نہ صرف حکومت سندھ سے میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ وہاں ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، بلکہ قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی اس کی ذمہ داری آتی کہ غوث بخش مہر صاحب ان کی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کے لیے تو کوئی ٹالرنس نہ آپ کو نہ ہمیں نہ کسی حکومت کو دکھانی چاہیے، اور جنہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا انسانیت سوز سلوک کیا ہے، میں سمجھتی ہوں جہاں طالبان اتنے لوگوں کو یا دہشت گرد کوئی بھی دن دہاڑے مار جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم دو چار ایسے لوگوں کو بھی چوکوں پر اس طرح کی سزائیں دیں کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے جہاں یہ گینگ ریپس اور یہ اس قسم کی وحشیانہ جو ہے یہ رسمیں جو ہیں یہ دم توڑیں گی، ورنہ یہ سب چھوٹتے جائیں گے اور کسی کو ویسے ڈر بھی نہیں ہے ملک میں جہاں خراب کرتے چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ پلوشہ خان ساتھ رہنے کا اور درد بھری داستان میں حصہ لینے کا۔ میں اس سے پہلے کہ سوال پہ جاؤں، ایک خبر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی سماعت پھر شروع ہو چکی ہے۔ پرائم منسٹر پر آج نوٹس سرو ہونا تھا، عدالت نے اس نوٹس کو روک لیا ہے کل تک کے لیے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نوٹس دیا جائے۔ اٹارنی جنرل کے کہنے پر مہلت دے دی گئی ہے۔ وزیر دفاع نے تو باہر کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ کی راست میں کوئی قیدی نہیں، اور اس پر بیان بھی آ چکا ہے ترجمان طالبان کا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہم نے جو سوال کیا تھا وہ سعودی عرب کے اس قرضے ہستنا کے بارے میں تھا، اس تحفے کے بارے میں تھا، اس عطیے کے بارے میں تھا، یا اس قرض کے بارے میں تھا جو لیا گیا ہے، کہ کیا سعودی عرب کے $1.5 ارب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں؟ تو جنرل شعیب امجد اور پرویز شاہ کی طرح دیگر لوگوں نے 63% نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، خدشات موجود ہیں۔ 37% نے کہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ جناب رانا افضل صاحب نے کہا تھا۔ رانا صاہب کی طرف سے یہ بات بہت خوش آئند ہے، بہت لوگوں کو مطمئن کرے گی، خود مشیر خارجہ کی طرف سے کہ پاکستانی فوج سیریا نہیں جائے گی، وہاں نہیں لڑے گی، اور یہ بھی کہنا کہ جس کو اسلحہ دیا جائے گا وہی استعمال کرے گا، وہی اس کو یوز بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لاء کے تحت، انٹرنیشنل لاء کے تحت اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ضرورت پڑے گا پاکستان کو، جو بھی ملک پاکستان سے اسلحہ لے گا
उसको फराहम करेगा। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखें, किसी के मातहत ना करें और उन मुल्कों की तरफ देखें जो उसकी तरक्की में हिस्सा ले सकते हों, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हों, जो उसका हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स तामीर कर सकते हों, जो बड़ी शाहराहें बना सकते हों और जो लोगों के मजमू मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने में पाकिस्तानी नेशन की और पाकिस्तानी स्टेट की मदद कर सकते हों, यही एक निजात का रास्ता है। अब बात करते रहेंगे इस मौजू पर, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। On Air was brought to you by